मंशा बम और उसके बेटों की अदालत में पेश ना होने पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मंशा बम और उसके तीनों बेटों के खिलाफ लड़ाई, झगड़ा, कब्जा, अगवा के मुकदमा दर्ज हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमान नूर से। जी नुमान नूर, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, मालटम शहरी की अदालत ने कब्जा माफिया के सरगना मंशा बम और इसके तीनों बेटों के खिलाफ लड़ाई, झगड़ा, कब्जा और अगवा के केस में पेश न आने पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। मॉडलिज्म कचहरी के सीनियर जुडिशियल मजिस्ट्रेट साबर हुसैन डाहर ने जो है वो मुलजमों के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। मुलजमों के खिलाफ जो है वो मुख्तलिफ थानों में इसके कब्जा के मुकदमा दर्ज है। इस मॉडलिज्म कचहरी में जो तीन मुकदमा जेर समात है उनके खिलाफ जो मुकदमा थाना टाउनशिप में दर्ज है उसमें अगवा, लड़ाई, झगड़ा और कब्जा के मुकदमा की दफात जो है वो शामिल है। अदालत ने मंशा बम और इसके बेटों फैसल मंशा, आमिर मंशा और तारिक मंशा को आज तलब रखा था और आज मुलजमान पर फर्ज जुर्म आयद की जानी थी लेकिन मुलजमान अदालत में पेश न हुए। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजमान को जो है वो अदालत की जानब से नोटिस भी भेजे गए लेकिन उसके बावजूद मुलजमान अदालत में पेश न हुए, जिस पर अदालत ने जहर भरमी करते हुए तफ्तीशी अफसर को ये जो है वो हदायत जारी की कि आप अब जो है वो तीन मुलजमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश नहीं कर सकते। लिहाजा अदालत ने मंशा बम और इसके तीनों बेटों के नाकाबिले जमानत वारंट की गिरफ्तारी जारी कर दी है। इससे कब जो है मुलजमान के इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत जो है मंशा बम और इसके तीनों बेटों के नाकाबिले जमानत वारंट की गिरफ्तारी जारी कर चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान नूर।